पाकिस्तान से इस वक्त की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है कि बिपरजॉय महातूफान ने अपना रुख बदल लिया है और पाकिस्तान के उन हिस्सों में प्रवेश करने लगा है जो पाकिस्तान का हिस्सा बहुत ही ज़्यादा रिहायशी है। बता दें कि बिपरजॉय साइक्लोन जब से अरब सागर से उठा है तब से पाकिस्तान की बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आप देख पा रहे होंगे कि हालांकि अभी तक बिपरजॉय तूफान ने पाकिस्तान में कैसी तबाही मचाई है, लेकिन अब पाकिस्तान में इतनी भयंकर तेज़ गति से हवाएं चल रही हैं और तेज़ गति से बारिश हो रही है कि पाकिस्तान में मौजूद गाड़ियां, पेड़, छोटे मोटे घर और सामान तो हवा में ही उड़ने लगे हैं। पाकिस्तान को अपनी आर्मी उतारनी पड़ी है और बताया जा रहा है कि अपना 10% आर्मी का हिस्सा उसने बिपरजॉय तूफान से लोगों को बचाने के लिए लगा दिया है और बहुत सारे हिस्से जैसे POK, भारत के बॉर्डर और अफगानिस्तान के बॉर्डर से पाकिस्तान की सेना कम हो गई है। अब वहाँ भी खतरा मंडराने लगा है क्योंकि जहाँ से उनकी सेना कम हुई है वहाँ से हमले का डर पाकिस्तान को हमेशा रहा है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बाद इस तूफान ने जो अपना रौद्र रूप अपनाया है उसे देख करके ऐसा लगता है जैसे इस पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए ही बिपरजॉय महातूफान का निर्माण हुआ हो, क्योंकि बिपरजॉय महातूफान जितनी बर्बादी, जितनी खतरनाक तरीके से लोगों को मारने की जो गति है वह पाकिस्तान में दिखाई दे रही है, वह किसी अन्य देश में नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि बताया जा रहा है बहुत ही जल्द लाखों लोग मर सकते हैं अगर बचाया नहीं।